हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमटा रवि लाइफस्टाइल। जो मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा वाइल्ड क्राब, सी क्रैब। तो ये है हमारा सी क्रैब, जो कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। ये कैसे बनेगा, ये सी क्रैब, इसको बताता हूँ कैसे बनेगा। इजी तरीके से, सिंपल, जैसे हम कोई भी कुछ सामान नहीं हमारे पास, ऐसे इजी से बन सके, इस टाइप का बना के दिखाऊंगा। कोई जंगल में हो चाहे कहीं भी हो, मतलब बन सके आसानी से। तो चलो लेट्स गो, हम दिखाते हैं। तो हमारा जो सी क्रैब बनाने के लिए हमको चाहिए प्याज काटा हुआ, हरी मिर्ची काटा हुआ, हरा धनिया और टमाटर काटा हुआ, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे है, हमने रखा है जिंजर और गार्लिक को कूट के रखा है, इसके अंदर कूट के रखा है। और ये क्रैब, ये क्रैब चाहिए। और हम बनाएंगे सरसों के ऑयल से, और हम कढ़ाई गर्म हो गया है, तो अभी हम इसमें डाल लेंगे हम सरसों का ऑयल, सरसों का तेल। इसमें क्या है, सी क्रैब में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चाहिए। अभी ऑयल गर्म हो गया, हम इसमें डाल दिया जीरा, इसमें काटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन कुटा हुआ, अभी हम डालेंगे जिंजर अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये हम इसमें भी डालेंगे हल्दी, भी हम इसमें डाल लेंगे क्रैब, हम डालेंगे अभी सॉल्ट, टमाटर ताकि बन गया हमारा क्रैब, सी क्रैब बन गया। अभी हम इसमें हम डाल दिया धनिया, इसमें डाल दिया हरा धनिया, तो हम इसको फिर अभी हल्की हाथों से अभी इसको चलाएंगे। इसको तो धनिया को मिला लेते हैं ऐसे ऐसे करके, ओके कर सकते हैं, तो लास्ट में होता है ना वो, तो हम इसको वाह यार, इसका मेरे ख्याल से वो निकाल के अंदर वाला खाते हैं शायद, बहुत टेस्टी है। Done.